Hello students, good morning. I am Dr. Hema Bhasin. I am taking your class of BSc Part 1 Zoology Paper 1st. Aaj hum lenge phylum Annelida. सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि इस Annelida के सामान्य लक्षण क्या हैं, यानी कि इसके जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं. Annelida, annelus शब्द से लिया, जिसका मतलब है रिंग्स, छोटी छोटी लिटिल रिंग्स जो होती हैं. हैबिटेट अगर हम देखें तो ये अधिकांशतः एक्वेटिक होते हैं, जलवासी होते हैं, और कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं. हैबिट ज़्यादातर ये फ्री लिविंग होते हैं, और कुछ प्राणी सहजीवी और परजीवी भी होते हैं. इनकी जो सिमेट्री होती है वो बायोलिटरल सिमेट्री पाई जाती है इनमें. सीलोम इनमें सीलोमेट टाइप होता है. बॉडी कैविटी ट्रू सीलोम होती है, जो कि इंटरनल सेप्टा के द्वारा डिवाइडेड होती है. इसका सब डिटेल हम पहले वाली क्लासेस में पढ़ चुके हैं. सेगमेंटेशन, इसकी बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है. ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है. जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों लेयर्स पाई जाती हैं. इसकी बॉडी में तीन सेपरेट सेक्शंस होते हैं, प्रोसोमियम, ट्रंक और पाइजीडियम. इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, पाचन तंत्र पूर्ण होता है, और पाचन क्रिया बहिकोशिकीय होती है, डेवलप्ड होती है. रेस्पिरेशन देखें, श्वसन क्रिया देखें, तो इसमें जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होती है, आर्द्र त्वचा या पार्श्व पादों तथा सिरे के गिलों के द्वारा होती है. नर्वस सिस्टम, इसका हम देखें तंत्रिका तंत्र, तो इसके तंत्रिका तंत्र में एंटीरियर नर्व रिंग पाई जाती है, गैंग्लिया और वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाई जाती है. सर्कुलेटरी सिस्टम में देखिए, रुधि संवहन तंत्र बंद प्रकार का होता है, एज अ ट्रू क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. एक्सक्रीशन नेफ्रीडिया के द्वारा होता है. रिप्रोडक्शन, इसमें सेक्सुअल और गोनोकोरिस्टिक या हर्मोफ्रोडिटिक होता है. फर्टिलाइजेशन, इसमें इंटरनल या एक्सटर्नल होता है. डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, जिसमें कोई लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है. अब अगर हम Annelida को डिवाइड करें तो हम इसको चार क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडिनिया और आर्की Annelida. पॉलीकीटा को फिर दो सब क्लासेस में डिवाइड किया गया, एरेंशिया और सिडेंटेरिया. ओलिगोकीटा के तीन ऑर्डर्स हैं, प्लिसियोफोरा, इसको प्लिसियोथिकेटा भी बोलते हैं, प्लिसियोफोरा प्रोसोथिकेट और प्रोसोफोरा. फिर तीसरी क्लास जो है हिरुडिनिया, उसके चार ऑर्डर्स हैं, अकेंथाप्टोबिला, रिंकोप्टेलिडा, नेथोप्टेलिडा और फेरिंजोप्टेलिडा, और फिर थी आर्किया Annelida क्लासेस. अब इसको अगर हम एक जनरल चार्ट के द्वारा समझें तो इन चारों में पॉलीकीटा मरीन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ये सबटेरेनियन रीजन में पाए जाते हैं ग्राउंड के नीचे, और गीली मॉइस्ट मिट्टी में पाए जाते हैं, नमी वाली मिट्टी में पाए जाते हैं. हिरुडिनिया सी में पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, रिजर्वॉयर्स में या नमी वाली मिट्टी में पाया जाता है. आर्की Annelida सारे मरीन एलिमेंट्स एनिमल्स होते हैं. इसी तरह पॉलीकीटा में डिस्टिंक्ट हेड होता है, जिसमें कि सेंसरी टेंटिकल्स, पैल्प और आईज होती हैं. इसमें डिस्टिंक्ट हेड, आईज, टेंटिकल्स एब्सेंट होते हैं. आर्की Annelida में हेड में आईज और टेंटिकल्स पाए जाते हैं. पॉलीकीटा में लोकोमोशन, बॉडी सेगमेंट्स आइडियली एक पैडल नुमा अनजॉइंटेड अपेंडिजेस होते हैं, जिसको पैरापोडिया कहते हैं. ओलिगोकीटा में पैरापोडिया एब्सेंट होते हैं. हिरुडिनिया में भी पैरापोडिया एब्सेंट होते हैं. तो पैरापोडिया कहाँ पाए जाते हैं, खाली पॉलीकीटा में. 33 to 34 सेगमेंट फर्दर सब डिवाइडेड इंटू रिंग लाइक एन्युलाय. आर्की Annelida की बॉडी बहुत स्मॉल होती है और सेगमेंटेशन इनडिस्टिंक्ट होता है. पॉलीकीटा में पैरापोडिया में दो या दो से अधिक सीटें पाए जाते हैं. इसमें एक
तरह के सीटे पाए जाते हैं जो सीटल सैक में प्रेजेंट होते हैं स्किन के अंदर त्वचा में। फिरुडिनिया में सीटे एब्सेंट होते हैं और अटैचमेंट के लिए इसके अंदर एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड पे चूषक पाए जाते हैं। पॉलीकीटा में सेक्सेस सेपरेट होते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट होता है जो कि इम्पोर्टेंट है। ऑलिगोकीटा में सेक्सेस यूनाइटेड होते हैं, लार्वा स्टेज एब्सेंट होती है और एंटीरियर एंड के पास बॉडी में कोकून फॉर्मिंग ग्लैंडुलर बैंड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको क्लाइटेलम बोलते हैं, जैसे हम अर्थवॉर्म में देखते हैं। पॉलीकीटा का एग्जाम्पल है नीरिस, कीटोप्टेरिस और अरेनिकोला। ऑलिगोकीटा का एग्जाम्पल है फेरिटिबा। हिरुडिनिया में सेक्सेस यूनाइटेड होते हैं, क्लाइटेलम पाया जाता है कोकून फॉर्मेशन के लिए, इसका एग्जाम्पल है हिरुडिनिया पोंटोब्डेला। आर्कियानलिडा में सेक्सेस यूनाइटेड भी हो सकते हैं और सेपरेट भी हो सकते हैं, इसमें भी ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट होता है और इसका एग्जाम्पल है पॉलीकॉर्जियस। चलिए अब आगे देखते हैं हम इसकी डिटेल क्लासिफिकेशन विद ऑर्डर्स। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीकीटा की। ये अधिकांशतः समुद्रवासी होते हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं या स्वच्छ जलवासी होते हैं। ट्रियोसिलोमेट्स होते हैं, यानी कि इनमें शाइजोसिलोम पाई जाती है, शाइजोसिलोमेट्स होते हैं। बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं, इसमें डिस्टिंक्ट हेड होता है जिसपे सेंसरी टेंटेकल्स पाए जाते हैं। पैल्प होता है और आईज पाई जाती हैं, नेत्र पैल्प और स्पर्शक के साथ स्पष्ट सिर पाया जाता है। इसमें वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम पाया जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम देखें, अगर इसका उत्सर्जन तंत्र हम देखें तो इसमें बोथ मेटानेफ्रिडिया और प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं। पैरापोडिया में दो या दो से अधिक सीटें पाए जाते हैं। डाइशियस या हार्मोफ्रोडिटिक होते हैं और ट्रोकोफोर लार्वा इसके अंदर पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन इसमें बाह्य होता है, यानी कि एक्सटर्नल होता है। अब इसको हमने जैसे अभी पहले पढ़ा, दो ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया। पहला ऑर्डर है एरेंशिया और दूसरा ऑर्डर है सिडेंटेरिया। एरेंशिया फ्री स्विमिंग होते हैं और कुछ ट्यूब्स के अंदर रहते हैं, जैसे नीरिस और एफ्रोडाइट। सिडेंटेरिया में बरोइंग या ट्यूब ड्वेलिंग फॉर्म्स होते हैं, यानी कि ये बिलकारी या नलीवासी पॉलीकीट जंतु होते हैं और इसके शरीर में दो या अधिक प्रदेश और प्रदेशों के खंड और पार्श्वपाद असमान होते हैं। ये देखिए, ये कीटोप्टेरिस का एग्जाम्पल है और ये अरेनिक्यूला का एग्जाम्पल है। सेकेंड क्लास आती है ओलिगोकीटा। ओलिगोस का मतलब होता है फ्यू, कीटे का मतलब होता है हेयर, यानी कि कुछ शूक इसमें पाए जाते हैं। हैबिटेट अगर देखें इसमें तो ये अधिकतर स्थलीय होता है और कुछ स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो आंतरिक विखंडित भवन दिखता है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड दिखता है। क्लाइटेलम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। हार्मोफ्रोडाइट होते हैं, यूनाइटेड सेक्सेस होते हैं परंतु क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है और कोकून फॉर्मेशन पाया जाता है और कोकून निर्माण के लिए ग्रंथि क्लाइटेलम उपस्थित होता है। इसको भी दो ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया, आर्कियोलिगोकीटा और दूसरा है नियो ओलिगोकीटा। सो आर्कियोलिगोकीटा अधिकतर फ्रेश वाटर फॉर्म्स होते हैं, एग्जाम्पल ट्यूबिफेक्स एलोसोमा, ये देखिए स्ट्रक्चर इसका। और ये नियो ओलिगोकीटा ज़्यादातर टेरिस्ट्रियल होते हैं, जैसे ये केंचुआ दिखाई दे रहा है, लुम्ब्रिकस दिखाई दे रहा है। फिर आता है हिरुडिनिया। इसका हैबिटेट देखें तो ये प्राइमरीली फ्रेश वाटर एनालिड्स हैं परंतु कुछ मरीन टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक भी होते हैं, यानी कि ये सामान्यतः बाह्य परजीवी होते हैं और रुधिरहारी या मांसाहारी स्वच्छ जलीय कुछ समुद्रवासी और कुछ स्थलीय होते हैं। इनका जो बॉडी है वो डेफिनेट नंबर या सेगमेंट्स में पाया जाता है। टेंटेकल्स पैरापोडिया और सीटे बिल्कुल एब्सेंट होते हैं इसके अंदर।
ये भी हर्मोफ्रोडाइट होते हैं और फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल होता है और लार्वल स्टेज भी अनुपस्थित होती है यानी कि एब्सेंट होती है। इनको तीन ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया। पहला ऑर्डर है एकेंथोपडेलिडा, जिस एकेंथोपडेलिडा में आदिकालीन होते हैं, इसमें अग्र चूषक पाया जाता है, ये रहा, शुंड और जबड़ों का अभाव होता है और अगले 5 खंडों में सकस शुक है पाए जाते हैं। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है सैल्मन मछली या एकेंथोपडेलिडा, ये लीजिए। अब आता है ये एकेंथोपडेलिडा है। अब सेकंड ऑर्डर है रिंकोपडेलिडा। रिंकोपडेलिडा में एग्जाम्पल है पोंटोपडेला, ये देखिए ये पोंटोपडेला का स्ट्रक्चर है। ये बाह्य परजीवी जलीय जोंक होती है और एक जबड़े रहित ऐसे शून्य सा होता है और इनमें भी प्रकोष्ठों का अभाव होता है और ये रुधिर इनका जो होता है वो रंगहीन होता है, इसलिए इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसका एग्जाम्पल है पोंटोपडेला। तीसरा है नेथोपडेलिडा। ये जो नेथोपडेलिडा है ये जलवासी है और स्थलीय दोनों ही हो सकते हैं, बाह्य परजीवी होते हैं और ये रुधिर चूषक जोंकों के नाम से पहचानी जाती हैं। इनका एग्जाम्पल है हिरुडिनेरिया या लीची, देखिए इसके भी अग्रभाग में ये चूषक होता है और ये ब्लड सकिंग होती है। अब आता है आर्की एनालिडा, जो कि चौथी क्लास है, इसका चौथा वर्ग है। आर्की एनालिडा, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, आर्क मींस फर्स्ट, प्रथम। इनका हैबिटेट देखें तो ये एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है और क्रमी नुमा दिखाई देते हैं। सीटे और पैरापोडिया नॉर्मली अनुपस्थित होते हैं। ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और हार्मोफ्रोडाइट भी हो सकते हैं। इनका डेवलपमेंट देखें अगर तो इनडायरेक्ट होता है, जिसमें ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है प्राय। इसका एग्जाम्पल है पॉलीगॉर्जियस। दिस इज ऑल अबाउट characteristics and classification of annelida. Thank you.